चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार सनी देओल अब अभिनेता से नेता बन चुके हैं। उन्होंने राजनीतिक में एंट्री ले लिया है। जी हां, आपको बता दें कि सनी देओल अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, जिसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली स्थित पार्टी हेडक्वार्टर में सनी देओल ने बीजेपी की सदस्यता ली है। पार्टी हेडक्वार्टर में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें पार्टी में शामिल होने की पर्चा थमाई और फिर गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। यानी कि अब सनी देओल अभिनेता से नेता बन चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो बीजेपी उन्हें गुरदासपुर से चुनाव मैदान में उतार सकती है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियली खबर नहीं आई है। इस मौके पर सनी देओल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिस तरीके से मेरे पापा इस परिवार और अटल जी के साथ जुड़े थे, वैसे ही अब मैं मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूं। मैं चाहता हूं कि मोदी अगले 5 साल और पीएम रहे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। देश के युवाओं को मोदी जैसे लोगों की जरूरत है। मैं इस परिवार से जुड़कर जिस तरह से जो भी कर सकता हूं, वो मैं दिल से करूंगा। हाल ही में सनी देओल ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि सनी देओल भी कमल का हाथ थाम सकते हैं। आपको बता दें कि देओल परिवार से हेमा मालिनी पहले ही मथुरा से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। 2014 में भी हेमा मालिनी ने मथुरा से ही जीत दर्ज की थी। सनी देओल के पिता ने हेमा के लिए मथुरा पहुंचकर उनके लिए चुनाव प्रचार किया है। अब देखना यह है कि सनी देओल अमृतसर यानी कि गुरदासपुर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसके बारे में ऑफिशियली खबर कब आती है।